अली सच सच बताना, आज सुबह का आपने मुंह मीठा किया? नहीं, वक्त नहीं मिला या? बस वक्त नहीं मिला, इधर काम भी करते ना। देखो तारा, ईद वाले दिन भी अगर एक बच्चे को घरों में सेवैयां पकाते हैं, मीठी चीज पकाते हैं, तो मम्मा याद आती है? याद आते हैं, लेकिन अभी मजबूरी है लाहौर में। मजबूरी है तारा जी, मजबूरी की वजह से अगर कोई बच्चे काम करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋ ਕੇ ਸਾਥ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ। ਤਾਰਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੇ ਪੀ ਕੀ ਦਾ ਪਠਾਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। बेटा जी बात सुनो, कोई टेबल आप लगा सकते हो? है मेरा बेटा, टेबल लगाओ। आ जाओ आप भी बैठो। आज हमें ऑर्डर देना। ऑर्डर नहीं देना आपको? अच्छा, खड़े होकर ऑर्डर लेना है? हाँ। खड़े होकर ऑर्डर लेना है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा अच्छा बर्गर है? काजू बर्गर है। हाँ, सबसे अच्छे वाला कौन सा है? मुन्ना बर्गर। मुन्ना बर्गर, अच्छा चलें फिर एक बर्गर। एक बर्गर, हाँ जी। अब मां साहब आपने तो खाना नहीं है ना? हाँ जी, एक बर्गर और वो अपना हाफ लीटर पेप्सी वो आप ला दो। नवासा पता क्या, वो इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि इस वक्त उसके उसकी ड्यूटी शुरू हुई है, तो वो किसी के साथ ऐसे नहीं ना बैठ सकता। हाँ, चलो इंतज़ार करते हैं कि क्या लेके आता है। हमने तो ये देखना है कि एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है ईद के दिन, ईद के दिन, और कितना खूबसूरत बच्चा है। इसका इसका दिल नहीं करता होगा कि अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले, एंजॉय करे, फिरे, खाए पिए, लेकिन वो मेहनत कर रहा है। आज के दिन भी वो मेहनत कर रहा है। ऑर्डर आ गया थोड़ा? हाँ जी, ऑर्डर आ गया। ते बच्चा कम गोवा, पता नहीं खुल के गल करता कि नहीं करता। ये क्या, पेप्सी जी? और ये क्या है? ये केचप। केचप। और ये क्या है? ये चिकन बर्गर है और साथ फ्राई। अच्छा, चलो इसमें रहने दो, इसमें। आज यहाँ बैठे हैं ना? आज मेरा बेटा, आप बैठो इधर पास लेके आओ। अच्छा, क्या नाम है आपका? अली। अली, परेशान तो नहीं हो गए यार कि क्यों बैठा रही है? हमने इसकी पूछना है इसमें क्या कुछ डाला है। ये क्या है? ये चिकन बर्गर है। चिकन बर्गर है। अच्छा अच्छा, तो अली कहाँ के रहने वाले आप? मानसेरा के साथ बटग्राम। बटग्राम में ट्रक बड़े मशहूर हैं, बटग्राम जाने वाले। अच्छा, तो स्कूल नहीं पढ़ते? स्कूल बस मजबूरी है, नहीं पढ़ते। क्यों? गांव में खर्चा होता है, मैं लाहौर पढ़ता हूं। अच्छा, तो पापा क्या करते हैं? पापा भी काम करते हैं। पापा भी काम करते हैं। तो आप कब से यहाँ के काम कर रहे हैं? मेरा इधर एक साल हो गया। एक साल हो गया। आज ईद का दिन है यार। आज ईद का, तो ईद के दिन में आपने घर जाने को दिल नहीं करता? नहीं करते। तो आपका दिल नहीं करता कि दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करें, एंजॉय करें, बाहर निकलें? दिल तो करता है ना? दिल तो करता है, दिल तो करता है, दिल तो पागल है। तो कपड़े नहीं बनाए ईद के? ईद के कपड़े नहीं, नहीं बनाए मेरे बेटे ने कपड़े। अच्छा, कपड़े जब गांव जा रहे हैं। अच्छा चले, ये आपके लिए? नहीं, ये बेटा आपके लिए, ये आपके लिए मंगवाया मैंने, मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाया है। हाँ जी, ये आपका है, आप ना आराम से खा लीजिएगा, बाद में खा लेना। बाद में खा, हमारे सामने ना खाना शर्माते हो ना। हाँ है, ठीक है। और आपके लिए ईद भी है मेरे पास। ऐसे कितने बहन भाई हैं? चार भाई हैं। चार भाई? एक। हाँ,
तो आप कब से ये मेहनत कर रहे हो? ये साल हो गया। एक साल हो गया। ये लो मेरे बेटे के लिए 5,000 ईद। कम है? बहुत है। आज कैसी ईद आई है? आज ईद बहुत खुशी। मेरा दिल किया कि मैं अपने बेटे के साथ जाके ईद मनाऊं। हाँ देख लो कम ना हो, जाली ना हो यार, कोई पता नहीं, परदेसी धोखा ना कर जाए। आपका जबान आपका जबान आपका जबान मेरी जबान तो कड़वी जबान है। अच्छा अच्छा, कैसा लगा मेरे बेटे को सरप्राइज ईद का? अच्छा बेटा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ जी, कैसी बात है? ये मैं भूल ही गई। ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए। हाँ ईद पे मुंह मीठा करते हैं ना? पहले तो नहीं कह दी, कर देंगे। नाम क्या है? अली। अली सच सच बताना, आज सुबह का आपने मुंह मीठा किया? नहीं। वक्त नहीं मिला या? बस वक्त नहीं मिला, इधर काम भी करते हैं ना। देखो तारा, ईद वाले दिन भी अगर एक बच्चे को घरों में सेवैयां पकाते हैं, मीठी चीज पकाते हैं, तो मम्मा याद आती है? याद आते हैं तो, लेकिन अभी मजबूरी है लाहौर में। मजबूरी है तारा जी, मजबूरी की वजह से अगर कोई बच्चे काम करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ऐसे बच्चे जो घरों से बाहर जाके परदेश में जाके इसमें डाल लें, अपनी फैमिली को मिस भी करते हैं, उनको उनके खाने भी, माँ के हाथों के खाने भी याद आते हैं, बहुत कुछ याद आता है ना मेरा बेटा। अब गिर ना जाए, यहाँ रखो। अब इसका बिल कितना है? इसका ये बर्गर 220 का है। हाँ। और ये बोतल लस्सी का है। बोतल लस्सी का? अच्छा अच्छा, बोतल तारा जी, बोतल 220 का है। हाँ। और बर्गर 80 रुपए का है, ऐसा ही है? सही नहीं, बर्गर है, बर्गर जो है 220 का है। तारा जी बर्गर 20 रुपए का है और ये 280 रुपए की, ऐसा ही है? नहीं, 220 का बर्गर है, गिनती भूल गया ना। ये रहा मेरा बेटा, ये बर्गर के पैसे, ठीक है? अल्लाह पाक आपको बेटा खुश रखे। आपको खुशी हुई है कि जब ईद पे आप घर भी नहीं हो तो फिर भी अल्लाह पाक ने आपके लिए? आप खुशी हुआ। कितना खुशी हुआ? बहुत खुशी। दरगाह नस्ता खता सर सर तमाशा जाना पखर रख ले।